नमस्कार जी, मैं मंजू। आज सितंबर की 6 तारीख है और पिछले वीडियो में मैंने जैसे कि शेयर किया कि मैदानी इलाके मतलब जो गर्म इलाके, जैसे मैं झांसी में रहती हूँ, इंडिया के सेंटर में रहती हूँ, जहाँ दिल्ली के आसपास मौसम रहता है, पंजाब में रहता है, तो वो लोग जो भी सर्दियों के सीड्स लगाएं वो अक्टूबर में पहले हफ्ते लगा सकते हैं या फिर दूसरे हफ्ते, देख लें मौसम का हाल चाल, देख ले, जान ले। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो फिर दूसरे हफ्ते से लगाना शुरू कर दे, नहीं तो पहले हफ्ते से। और बहुत ही साफ साफ मैंने कहा था कि जो पहाड़ी इलाके वाले होते हैं, जैसे हिल एरियाज़ वाले, तो वहाँ पे ठंडा मौसम जो जल्दी आ जाता है, ठंडक जल्दी आ जाती है, तो हमारे यहाँ बाद में आती है थोड़ा, इसलिए हम बाद में सीड ग्रो करते हैं। वैसे तो सेप्टेम्बर अक्टूबर ग्रो करने का, चाहे गर्म इलाके हों, चाहे सर्द इलाके हों, तो टाइम ये होता है। और फिर भी उसके बावजूद भी कई भाई बहनों ने पूछा कि इतनी गर्मी हो रही है तो कैसे सीड लगाएं, तो मेरे ख्याल से उन्होंने वीडियो ठीक से देखा नहीं होगा, जहाँ समझा नहीं होगा। तो ठंडे इलाके वाले हैं वो सितंबर में देख लें, अगर उनके यहाँ मौसम इस तरह का हो गया है, लगाने लायक हो गया है, तो अभी लगा सकते हैं, नहीं तो सितंबर के दूसरे हफ्ते लगा सकते हैं, दूसरे हफ्ते 10 या 15 दिन में, जैसे सितंबर के वो लगा सकते हैं। तो ये अपना आगे पीछे जो 5, 7, 8, 10 दिन चलते हैं, तो हिमाचल वगैरह में वैसे लग जाते हैं, मिड सितंबर में लग जाते हैं, तो वो मेरा ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। तो हाँ, ये मैंने बस उनके कमेंट का जो जवाब दिया है, तो हो सकता है कई भाई बहनों को ये प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में, तो वो अब समझ चुके होंगे। हाँ, आज मैं आपको क्या शेयर करने वाली हूँ, बड़े गार्डन में छोटा गार्डन। तो बड़े गार्डन में छोटा गार्डन, मिनी गार्डन का मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। जो मुझे पौधे बहुत ही खूबसूरत रंग से भरे हुए लगते हैं, तो कुछ टाइम पहले मैंने उनके बड़े बड़े प्लांट्स लेके एक मिनी गार्डन बनाया था, तैयार किया था। तो उन प्लांट्स का आप हैज तैयार कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है और कोई भी खास केयर नहीं करनी पड़ती। और एक बार जब गार्डन में तैयार करते हैं तो फिर हमेशा ही वो आपके गार्डन में बने रहते हैं, इतने पौधे उनके बीज से तैयार हो जाते हैं। यहाँ कहीं भी उनके बीज जो गिरते हैं, उनके बीज जो ऐसे गिरते हैं कि दूर छिड़क के गिरते हैं, तो यहाँ कहीं भी वो तैयार हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हो जाने पर उनके प्लांट्स आपको निकाल निकाल के उनकी खाद बनानी पड़ती है, जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें। तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बड़े बड़े पौधे निकाल के मैंने मिनी गार्डन तैयार किया था और उस प्लांट के बारे में बताया था। तो चूँकि मैं उस प्लांट की कटिंग्स बरसात के टाइम जब मेरे गार्डन में आया था, तो मैं कटिंग्स लेके आई थी, बरसात के टाइम मैंने उसे कटिंग से ग्रो किया था। तो मैं बात कर रही हूँ, ये जो ये खूबसूरत ये देख रहे हैं थर्मोकोल का डिब्बा, ये देखिए बड़े सालों मेरे गार्डन में है, ये जो गिलहरियों ने कट कर दिया था और फिर भी मैंने इसको जोड़ तोड़ के तार बांध के ये पौधे जो पूरे आपके सामने ग्रो किए थे, तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है, ये मिनी गार्डन। ये देख लो, ये वही वाला डिब्बा, ये ऐसे इस तरह से आ रहा है। ये सारे के सारे पौधे, इसके बड़े बड़े पौधे भी लग जाते हैं, तो इसलिए इनकी छोटी पौध तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। और ये पौधे भी जो मैंने ट्रांसप्लांट किए थे, मैंने ग्रो नहीं किए थे, तो ये मैं उसका मिनी गार्डन का अपडेट दे रही हूँ। तो इनकी कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती, बस 4-5 दिन जो इनके ऊपर मैंने एक वाइट रंग की आपके सामने वो जो बोरी जैसी रखी थी ना, बस वो 4-5 दिन के लिए वो बंद ऊपर रखी थी लकड़ी देके, और फिर मैंने हटा दी थी। तो एकदम से ये चलना शुरू हो जाते हैं, तो इनकी कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती और इतने खूबसूरत लगते हैं। पूरे गार्डन में अगर हैज बना दी जाए तो बहुत ही कमाल के ये प्लांट्स जो हमारे लगते हैं, तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। बीज जैसे इसके ये मैंने दिखाया ना, ये इसमें से तैयार होते हैं, पर चुनना बड़ा मुश्किल होता है, और कब ये छिटक जाते हैं, खुल जाते हैं और पता ही नहीं चलता। तो ऐसे हरे भरे अगर निकाल लिए जाएं तो पता नहीं वो ग्रो होंगे कि नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। पकने पे, पीले होने पे इस तरह से लगाए जाते हैं। और ये देखिए कितना अच्छे, ये वही वाला मिनी गार्डन, थर्मोकोल के डिब्बे वाला ये मिनी गार्डन, इस तरह से कोई ख़ास इसकी केयर नहीं करनी पड़ती। समर पॉइंट सिटिया, वाइल्ड पॉइंट सिटिया।
और आज मैंने क्या काम किए हैं, आज मैंने जो एक दो पोर्ट जो मेरे खाली पड़े हुए थे जब बेकार जैसे अपने आप पौधे उगे हुए थे तो वो खाली करके फिर से उसमें कटिंग शटिंग करके कुछ पौधे नीचे थोड़े से डाल के और वापस मिट्टी भर के मैंने कुछ एक कटिंग क्राइसेंथिमम की लगाई है एक पोर्ट में, और एक पोट में पहले से मैंने कुछ कटिंग्स लगा रखी थी तो वो तैयार थी, वो मैंने ट्रांसप्लांट की हैं। तो मैं दिखाती हूँ, ये नेट का टुकड़ा देख के जो मैंने अभी फ़िलहाल इनको ढक दिया, ये ट्रांसप्लांट किए दो पौधे इसमें और दो पौधे इसमें, और एक ये बड़ा सा कोक्सकोम का मैंने ट्रांसप्लांट किया है और एक ये कटिंग्स मैंने ये अभी लगाई है, ये आज डेट भी आज 6 है और मैंने 7 ही लिख दी, मुझे भूल ही गया। तो इस तरह से ये नेट में ऐसे ढक दिया, इसको हवा भी आती रहेगी। तो ये मेरे पिछले साल का जो गजानिया का पौधा था तो उसमें ये फूल खिल रहे हैं, तो मेरी लापरवाही से मैंने वो देखा नहीं है, और जो एक पोट में खूब सारे अच्छे पौधे इसके लगे हुए थे, फूल भी वो खूब सारे देते थे, और उसका जो ड्रेनेज सिस्टम बंद हो गया था और ज़्यादा पानी होने से वो मर गए। जब खूब सारे पौधे होते हैं तो फिर ये वाली जो गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ये जानबूझ के करते हैं, अपनी मेहनत क्यों बेकार करें, बस बहुत ज़्यादा जब गार्डन हम तैयार कर लेते हैं फिर काम काज करते करते हम करके काम देखने गार्डन के काम देखने तो फिर ध्यान ही नहीं रहता इस ओर, तो जब ध्यान आता है तो फिर हमारा काफ़ी सारा नुकसान हो चुका होता है। तो चलिए ये सब तो चलता ही रहता है, जब एक बार मेरा नुकसान हो जाता है तो फिर मैं दोबारा काम करना छोड़ती नहीं हूँ, मैं फिर से उसको करना शुरू कर देती हूँ, तो बस ऐसा ही है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।